मेड इन जापान एक नाम था, जर्मनी की बनी हुई चीजों का एक नाम था। और आज भी मैं ये कहता हूं कि जो गुड्स जर्मनी की खास तौर पे डोमेस्टिक अप्लायंसेस के अंदर है, मशीन बड़ी मशीनरी की बात नहीं, बड़ी मशीनरी तो उनकी लाजवाब होती है, उसकी जो परफॉर्मेंस होती है जो आप देते हैं जर्मन को, लेकिन इवन डोमेस्टिक गुड्स के अंदर आप देख लें, किचन फैक्ट्री आप देख लें या आपको इलेक्ट्रिक केटल देख लें, फूड फैक्ट्री आप देख लें, ये चीजें जर्मन की जो परफॉर्मेंस होती है, जो लाइफ उसकी होती है ना, इवन जैपनीज चाइनीज तो खैर कहीं स्टैंड ही नहीं करते उसके सामने, तो वो बहुत आगे इसके अंदर है, निकल गए हैं। अब गाड़ियों के लिए आप देख लीजिए, आपको पहले जहन में आता है कि जी मेड इन जापान गाड़ी अच्छी होगी, ठीक है ना, लेकिन अब मुझे तो इतने मालूम नहीं है, लेकिन जो बच्चे बताते हैं लोगों से, आप जैसे लोगों से मैं सुनता हूँ कि जी वो जो इटालियन गाड़ियां जो हैं, मतलब उनकी जो एक अलग ही, मतलब वो नीश मार्केट है ना, उनकी मार्केट नीश है, मर्सिडीज की अपनी एक नीश मार्केट है, बीएमडब्ल्यू की अपनी एक नीश मार्केट है, अब चाइना की जीएम भी आ गई है, उसकी भी एक अपनी नीश मार्केट बन जाएगी, इसलिए उन्होंने ब्रिटिश ब्रांड खरीद के उन्होंने बनाने की कोशिश की है। तो ये जो ब्रांड्स आप होते हैं ना, इनको आपको प्रोटेक्ट करना होता है ताकि कंज्यूमर जब आपको खरीदने जा रहा है ना, तो उसके पास एक इन्फॉर्म चॉइस होनी चाहिए। कि मज़दा एक बड़ा मशहूर ब्रांड था, लेकिन आज पाकिस्तान में आपको कोई मज़दा की गाड़ी नजर नहीं आती। आपको अगर नजर आती है मेजोरिटी गाड़ियां होंडा की, टोयोटा की या सुजुकी की, अब कुछ कोरियन ब्रांड्स ने पेनिट्रेट करना शुरू किया है, कुछ चाइनीज ब्रांड भी आ रहे हैं, जैसे मैंने अभी एमजी की बात की, या एक कोरियन ब्रांड आया तुसोन की बात की, और इस तरह के आ रहे हैं जो चीजें बन रही हैं, आने शुरू हो गए। लेकिन ये आपके पास जो ब्रांड आपका होता है ना, ये कंज्यूमर को आपको चॉइस दे रहे होते हैं, लोग उसके ऊपर खरीद रहे होते हैं। टोयोटा के ऊपर जो है लोग, अगर वो 4 लाख कीमत बढ़ा दें तब भी जाके वो टोयोटा खरीदेंगे, वो ये नहीं देखते कि जी सीसी कितनी है और उसकी परफॉर्मेंस कितनी है, आफ्टर सेल सर्विस कितनी क्या है, वो जाके टोयोटा खरीदते हैं जो टोयोटा वाला है। और होंडा वाला होंडा है, मैं होंडा के इसलिए खिलाफ हूँ कि मैं कराची शहर का वासी हूँ, होंडा की सबसे बड़ी खराबी है, मैंने इस्तेमाल की है, मेरे बेटे के पास सिटी थी, मेरे पास होंडा सिविक थी, वो कराची की सड़कों के लिए नहीं बनी, हाईवे के लिए बेस्ट गाड़ी है, लेकिन कराची के जो स्पीड ब्रेकर है ना, उस पर जब वो गाड़ी लगती थी ना नीचे, तो ऐसा लगता है आपके दिल पे किसी ने मुक्का मारा है। तो ये एक पैरालिक है उसके अंदर खराबी कराची के लिए, अदरवाइज तो बहुत अच्छा ब्रांड है। तो ये प्रोटेक्शन आपको लेनी जरूरी होती है इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी राइट के अंदर, यानी आप टोयोटा का जो एक सिंबल गाड़ी के पीछे बना हुआ होता है ना, उस सिंबल की भी एक वैल्यू है, ठीक है। अच्छा, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी राइट में एक चीज क्या होती है कि ये क्यों हम करते हैं, वही ताकि क्रिएशन इनोवेशन टेक्नोलॉजी नहीं आया। अब मोबाइल के अंदर आप देख लेना कि जितनी इनोवेशन पिछले 5 साल में हुई है, वो कहते हैं ना कि नॉलेज डबल हुई है, होती थी पहले 30 साल के अंदर, फिर उसके बाद हुई 10 साल के अंदर, फिर हुई 5 साल के अंदर। अब जिस तरीके से ब्रांड आ रहे हैं, अभी मैं एमबीए वालों को ये डिस्कस कर रहा था कि इस वक्त एप्पल वालों ने जो अपना 12 प्रो निकाला है वो फंस गए बहुत बुरे, उनकी जो मार्केटिंग टीम थी उसने असेस ही नहीं किया के 12 प्रो जो है 128 वाला और 256 वाला जो भी होता है मेमोरी जो भी क्या होता है, वो उन्होंने दोनों की कीमत में 80-90 डॉलर का फर्क रखा लोगों ने। अच्छा, उन्होंने बनाए 256 कम सेट और 128 के ज्यादा बनाए थे, ऑर्डर इतने आ गए 256 के, लोगों ने 80-90 डॉलर का जो कीमत का फर्क था उसको उन्होंने इग्नोर कर दिया, ज्यादा ऑर्डर दिए, तो उसके ऊपर वेटिंग टाइम चलना शुरू हो गया 1 महीने का। So what they did, they recalled 12 Pro 128 वाले को, उन्होंने बहुत सारी जगह से विड्रॉ किया और दोबारा फैक्ट्री के अंदर उसको भेज के, ये नहीं किया कि नई प्रोडक्शन उसकी रोक के किया, उन्होंने उनको अंदर अपडेट करके 256 करके लोगों को सप्लाई कर रहे, बिकॉज दे हैव गॉट एक गलती हुई किसी से और उसका सजा वो भुगत रहे हैं और अब ये हो रहा है। तो इंडस्ट्रियल डिजाइन जो भी बनते हैं, आप अगर कोई मशीन बना रहे हैं, अब जैसे ये कैनप का आप सुन रहे होंगे कि बिजली का आपका न्यूक्लियर का प्लांट आ रहा है, ये सारी चीजें जो होती है ना कॉपीराइट प्रोटेक्टेड होती है, डिजाइन होते हैं, अगर सेंट्रीफ्यूज का एक डिजाइन है वो भी प्रोटेक्टेड होता है, आप ट्रेड सीक्रेट रखते हैं। इस वक्त सबसे ज्यादा एस्पियोनेज मुल्कों के दरमियान नहीं हो रहा है इतना एस्पियोनेज, जितना कि कंपनीज के दरमियान एस्पियोनेज हो रहा है। आप मेरा एक मिलने वाले का दोस्त का भाई कोरिया के अंदर काम कर रहा था, उसने अमेरिका से पीएचडी किया था, उन्होंने उसको हायर किया और वो
सैमसंग या किसी कंपनी में काम कर रहा था, वो मुझे बता रहा था कि जनाब जब मैं कंपनी में जाता हूँ तो मेरे पास अपना जाती मोबाइल मुझे गाड़ी में छोड़ के जाना होता है, जाती मोबाइल लेके नहीं जा सकता। कंपनी में जाके कंपनी से उसको एक मोबाइल इश्यू हुआ है, पूरा वक्त वो उसको इस्तेमाल करता है, ठीक है ना। अब जब कंपनी से बाहर निकलता है उसके पास कोई यूएसबी नहीं हो सकती, इवन कंपनी उससे अंडरटेकिंग ली हुई है कि उसके जूतों की भी तलाश, मतलब कि वो देख सकते हैं कि बाज़ औक़ात लोग ऐसा करते हैं ना कि एड़ी के अंदर करके और वो जो है ले गए, तो वो इस तरीके से कहता है, इस तरीके से वहां काम करना ऐसा था उस फैक्ट्री के अंदर, सैमसंग की फैक्ट्री में था। वो कह रहा था कि ऐसा लगता था कि जैसे मैं किसी जेल के अंदर टाइम गुजार रहा हूँ। इवेंचुअली उसने वहां से नौकरी छोड़ दी और चला गया कैलिफोर्निया में किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं। लेकिन ये इस हद तक जो है अपने सीक्रेट्स को लोग प्रोटेक्ट करते हैं। वजह क्या होती है, अब एक आप एक कार डिजाइनर है, मैं एक कार डिजाइनर हूँ, ठीक है। आपने एक एडवांस इंजन डिजाइन किया जो आपको पता है कि आज ये नहीं चलेगा, आज से 10 साल बाद इसने चलना है। अगर वो डिजाइन लीक हो गया तो वो जो आपके कंप्यूटर के पास पहुंच गया हो सकता है वो आपसे पहले लॉन्च कर दे उस चीज को। तो इसकी प्रोटेक्शन बहुत जरूरी होती है, इसलिए बार दफा लोग इसको न्यू टेक्नोलॉजी को रजिस्टर करवा लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा, दवाओं के अंदर आप देख लीजिए कि दवाओं में क्या होता है। अभी आपके सामने कोविड की आप सुन रहे हैं ना कहानियां कि वैक्सीन बन गई, वैक्सीन बन गई, ये हो गया, वैक्सीन रजिस्टर्ड हुई है, ठीक है ना। इंटरनेशनल लॉ के तहत कोई भी दवा अगर आप बनाए ना तो आप 10 साल तक उसको अपने पास रख सकते हैं। 10 साल के बाद आपको उसका फार्मूला जो है लीक, मतलब एडवर्टाइज करना पड़ता है ताकि कोई भी बना सके। और जो प्राइसिंग होती है दवाओं की, उसके अंदर आपकी R&D की जो कॉस्ट है उसको रिकवर करने के लिए आपको टाइम दिया जाता है। शुरू में कॉस्ट ज्यादा होती है, बाद में 10 साल के बाद दवा सस्ती हो जानी चाहिए। अमेरिकन कंपनियों ने क्या बदमाशी शुरू कर दी कि वो क्या करते हैं कि 10 साल पूरे होने से पहले 7वें 8वें साल के ऊपर उसी दवा में कोई थोड़ी बहुत चेंजेस की, क्लिनिकल ट्रायल किए, और वही दवा जो होती है FDA से किसी और नाम से या उससे मिलते जुलते नाम से अप्रूव करा ली उन्होंने, एंड दे एंजॉय अगेन 10 10 ईयर्स की वो जो उनको मिल जाती है दवा वही होती है। अब आप ये देख लीजिए ना कि एक दवा है जेंटेक के नाम से, जो कि अक्सर जिनको एसिडिटी ज्यादा होती है, आप लोगों का तो इश्यू नहीं है, वो लोग यूज करते हैं। पाकिस्तान के अंदर जेंटेक जिस कीमत पे बिक रही थी, जब इंडिया से स्मगल होकर आनी शुरू हुई तो पता चला कि वहां जेंटेक जो है 50 पैसे की है, 60 पैसे की है, यानी एस्प्रिन से सस्ती वहां पे जेंटेक है, और पाकिस्तान में वो एक गोली एक जमाने में 30 रुपए की हुआ करती थी। तो इस तरह से लोग फायदा उठाते हैं क्योंकि जेंटेक एक ब्रांड के नाम से मशहूर हो गया था कि अगर आपको एसिडिटी है तो हर डॉक्टर उसको रेकमेंड करता था। तो पाकिस्तानी फायदा उठा रहे थे, वो इंडिया से स्मगलिंग शुरू हुई, वहां पे उन्होंने इसको फॉर्मूले को करके बहुत सारी कंपनियां बना रही हैं जेंटेक के नाम से। वो एक इसमें एक मेडिकल में टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है कि जेनरिक या ब्रांड के नाम से इस तरीके से वो करते हैं। तो इसका पर्पस जो है ना, सारी चीजों का जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिजीम का ये सारा, सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट करें। अच्छा, इसमें एक चीज आप देखा होगा, जॉइंट वेंचर जब आप किसी के साथ करते हैं ना, इवन आप होंडा अटलस में जाके किसी अगर आपको कोई जानने वाला काम करो या आप फैक्ट्री विजिट करें, कुछ पार्ट्स ऐसे हैं यहाँ जॉइंट वेंचर किया हुआ है होंडा अटलस ने, लेकिन होंडा अटलस कुछ पार्ट्स पाकिस्तान में नहीं बनने देती, वो आपको जापान से इंपोर्ट करने पड़ते हैं, और वो क्रूशल पार्ट्स हैं। उन क्रूशल पार्ट्स के बगैर आप जो है ना होंडा आपके लिए, मतलब गाड़ी आपकी, मोटरसाइकिल आपकी बन नहीं सकती। वो ये कहते हैं कि हमने आपसे जॉइंट वेंचर तो किया है लेकिन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हम 100% आपको नहीं करेंगे किसी भी सूरत में। ये बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है ना, चाइना का एक बड़ा मशहूर वाक्य है कि एक अमेरिकन कंपनी ने अपनी गाड़ी चाइना से मैन्युफैक्चरिंग करानी शुरू की, बनाते रहे वो, उसके बाद क्या हुआ 2 साल बाद चाइनीज ने वही गाड़ी लॉन्च कर दी, बिल्कुल वही गाड़ी, आइडेंटिकल, बिल्कुल आइडेंटिकल गाड़ी वही। अमेरिकन कंपनी ने जनाब बड़ा शोर शराबा किया, वो चाइनीज कोर्ट के अंदर केस पहुंचे। अच्छा, जो वकील था उनका वो बहुत जहीन था, ये मैं आपको एक्चुअल वाकया बता रहा हूँ ये जो हुआ। वो वकील पहुंचा और उसने अदालत से कहा कि मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करना चाहता हूँ, मुझे जगह दीजिए। ये जगह कैसे दी जाए, उसने कहा जी मैं 2 गाड़ियां लाना चाहता हूँ। वो 2 गाड़ियां लेके आया, एक चाइनीज गाड़ी थी, एक जो चाइनीज ने अमेरिका के डिजाइन के ऊपर बनाई थी। तो उसने क्या किया, मैकेनिक लेके आया था और उसने डेमोन्स्ट्रेट किया कि उसने चारों इन दरवाजे जो थे ना, 2 फ्रंट के 2 बैक के, अमेरिकन ब्रांड की गाड़ी के खोले और वो चाइनीज ब्रांड में लगाया तो 100% फिट हो गया, चाइनीज ब्रांड के खोले तो अमेरिकन में लगाया 100% फिट हो गया। उसके बाद उसने टायर चेंज करके दिखाया, फिर उसने कहा कि जी मैं इंजन ब्लॉक भी कर सकता हूँ अगर आप मुझे इजाजत।
ये, और उसने कहा कि जी इन्होंने हमारे जो डिजाइन था उसको कॉपी करके सब कुछ किया है। एंड यू नो कि डिसीजन क्या दिया जज ने, जज का फैसला ये था कि चाइनीज डिजाइन इज डिफरेंट देन दी अमेरिकन डिजाइन, ठीक है ना। तो ये होता है मतलब कि वो, उसने जाहिर है जज ने गोली से नहीं मरना था ना, तो उसने उसके अपनी कंपनी के अपने उसने फैसला दिया, तो अमेरिकन कंपनी केस आ गई, ठीक है। उन्होंने अपना बाद में अपना ऑपरेशन कहीं और मूव कर दिया, चाइना में बदमानी छोड़ दी, लेकिन जो डैमेज होना था उनको हो गया, क्योंकि चाइनीज कीमतों में और जो अमेरिका जो अमेरिकन कंपनी जो प्रीमियम लेती है उसमें बड़ा जमीन आसमान। अच्छा, ये जितने भी हमने बात की है ना इंटेलेक्चुअल इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी राइट की, इसकी भी एक लाइफ होती है। जैसे दवाओं को मैंने आपको बताया कि बाज दवाओं के लिए स्विट्जरलैंड वाले जो हैं वो कहते हैं 7 साल होनी चाहिए, अमेरिकन कहते हैं 10 साल होनी चाहिए, लेकिन इसमें जो है 20 साल से ज्यादा की लाइफ नहीं होती है, 20 साल तक की दी जाती है, उसके बाद जो है पेटेंट की लाइफ एक्सपायर हो जाती है। अब आ जाते हैं पेटेंट पे, भाई 2 बज चुके हैं, आप मुझे बता दीजिए कि जब खत्म करना हो। कोई और क्लास तो नहीं है आप लोगों की? हेलो सीआर साहब, सर मशीन डिजाइन की क्लास है। बस तो फिर मैं खत्म करता हूँ इसको यहाँ पे। नेक्स्ट मंडे को मैं इसको कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि मेरे पास आप लोग प्रेजेंटेशन तो दे नहीं रहे हैं, आधे पास हैं आधे फेल हैं, ये जो पहला टेस्ट है ना उसके अंदर आई हैव गॉट ओनली अबाउट 17-18 प्रेजेंटेशन, अगर बिलाल ने कर ली तो शायद 19 हो जाएंगे। तो ठीक है, वी आई विल स्टॉप हियर, आप जाइए। मशीन डिजाइनिंग कौन पढ़ा रहे हैं? साहब पढ़ा रहे हैं यस सर। यार, ये उनको 2 नंबर वाली बात मत बताना कि मैंने तुम लोगों को बता दी है, ठीक है। ठीक है सर। ओके ओके ओके, थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट मंडे इंशाल्लाह। अच्छा, आपका सॉरी मिड टर्म कब है मुझे ये तो बताइए, मिड टर्म की डेट क्या है? सर, मिड टर्म हमारे 4 जनवरी से 15 जनवरी के दरमियान तक मिड टर्म है, भाई और तो मिड टर्म अगली की डेट क्लास तो आपको फिर मिड टर्म डिसाइड। में आएगी ना, अगली क्लास तो हाँ मिड मिड टर्म, टर्म, हाँ मिड टर्म में आएगी सर। तो मैंने तो मुझे तो अभी किसी ने बताया ही नहीं, ना मैंने पेपर बनाया आपका, ना मैंने कुछ किया अभी तक, तो कुछ हुआ ही नहीं है। चले मैं मेन साहब से बात करता हूँ, ओके ठीक है सर। जी, पेपर खुदा असाइनमेंट ठीक है बेस सर। होगा तो नहीं असाइनमेंट बेस्ड तो नहीं होगा, मैं तो पेपर बेस्ड लेता हूँ, मैं तो असाइनमेंट में यकीन नहीं रखता। एक असाइनमेंट देके पछता रहा हूँ, आप लोग प्रेजेंटेशन तो कर नहीं पा रहे हो यार। नहीं सर, नहीं वो ऐसी बात नहीं है, वैसे उन्होंने बोला था, अभी इंस्ट्रक्शन आई थी उनको तो बोलने दो, इस मैं वजह तो से अपने थोड़ा हिसाब सा। से चलता हूँ भाई, मैं मुख्तलिफ हूँ, मैं अपने हिसाब यस से सर। चलता ओके हूँ। सर। मैंने असाइनमेंट देके देख लिया, आप लोगों को इतना इनकरेज किया, सब कुछ किया, उसके बाद भी अगर आप लोगों ने अब तक आधे लोगों ने नहीं दिया तो मैं मिड टर्म में असाइनमेंट देके क्यों हूँ अपने आप को, ठीक है। जी 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 सर। ओके।